ब्रह्म पुराण श्री वासुदेव के पूजन की महिमा तथा एकादशी को भगवान के मंदिर में जागरण करने का महात्म्य। ब्रह्म राक्षस और चांडाल की कथा। मुनियों ने कहा, महर्षि, हमने भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत महात्म्य सुना। वे सब पापों को दूर करने वाला पुण्यमय, धन्य एवं संसार बंधन का नाश करने वाला है। महामुने, श्री वासुदेव के पूजन में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनका विधि पूर्वक भक्तिभाव से पूजन करके किस गति को प्राप्त होते हैं? व्यास जी बोले, मुनिवरों, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह वैष्णवों को सुख देने वाला विषय है। ध्यान देकर सुनो। वैष्णवों के लिए स्वर्ग और मोक्ष दुर्लभ नहीं है। वैष्णव पुरुष जिन जिन दुर्लभ भोगों की अभिलाषा करते हैं, उन सब को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पुरुष कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाने पर अपनी इच्छा के अनुसार फल पाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भक्त मनुष्य श्रद्धा और विधि के साथ जगतगुरु भगवान वासुदेव का पूजन करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल स्वरूप स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग सदा भक्ति पूर्वक अविनाशी वासुदेव की पूजा करते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले सर्व पापहारी श्री हरि का सदा पूजन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंत्यज्य सभी सुरश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास पूर्वक एकाग्रचित हो विधि पूर्वक स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहने, इंद्रियों को अपने वश में रखें और पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के उपहार, जप, होम, प्रदक्षिणा, भांति भांति के दिव्य स्तोत्र, मनोहर गीत, वाद्य, दंडवत प्रणाम तथा जय शब्द के उच्चारण द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा के पश्चात रात्रि में जागरण करके श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कथा वार्ता करें अथवा भगवत संबंधी पदों का गान करें। यों कहने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुनियों ने पूछा, महामुनि, भगवान विष्णु के लिए जागरण करके गीत गाने का क्या फल है, उसे बताइए। उसका श्रवण करने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय गान करने का जो फल बताया गया है, उसका क्रमशः वर्णन करता हूँ। सुनो। इस पृथ्वी पर अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी, जहाँ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु विराजमान थे। उस नगरी के किनारे एक चांडाल रहता था, जो संगीत में कुशल था। वह उत्तम रीति से धन पैदा करके कुटुंब के लोगों का भरण पोषण करता था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वह अपने व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करता था। प्रत्येक मास की एकादशी तिथि को वह उपवास करता और भगवान के मंदिर के पास जाकर उन्हें गीत सुनाया करता। वह गीत भगवान विष्णु के नामों से युक्त और उनकी अवतार कथा से संबंध रखने वाला होता था। गांधार, षड्ज, निषाद, पंचम और धैवत आदि स्वरों से वह रात्रि जागरण के समय विभिन्न गाथाओं द्वारा श्री विष्णु का यशोगान करता था। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान को प्रणाम करके अपने घर आता। पहले दामाद, भांजे और कन्याओं को भोजन कराकर पीछे स्वयं सपरिवार भोजन करता था। इस प्रकार विचित्र गीतों द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए उस चांडाल की आयु का अधिकांश भाग बीत गया।
एक दिन चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वह भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए जंगली पुष्पों का संग्रह करने के निमित्त भक्ति पूर्वक उत्तम वन में गया। शिप्रा के तट पर भगवान वन के भीतर एक भेड़े का वृक्ष था। उसके नीचे पहुंचने पर किसी राक्षस ने उस चांडाल को देखा और भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। यह देख चांडाल ने उस राक्षस से कहा, भद्र, आज तुम मुझे ना खाओ, कल प्रातः काल खा लेना, मैं सत्य कहता हूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। राक्षस, आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है, अतः मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान विष्णु की सेवा के लिए रात्रि में जागरण करना है, तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ब्रह्म राक्षस संपूर्ण जगत का मूल सत्य ही है, अतः मेरी बात सुनो, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, पुनः तुम्हारे पास लौट आऊंगा। पराई स्त्रियों के पास जाने और पराए धन को हड़प लेने वाले मनुष्य को जिस पाप की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्यारे, शराबी और गुरु पत्नी गमन तथा शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले द्विज को जो पाप होता है, कृतघन, मित्रघाती, दोबारा ब्याही हुई स्त्री के पति, क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले पुरुष, कृपण तथा बंध्या के अतिथि को जो पाप लगता है, अमावस्या, अष्टमी, षष्ठी और दोनों पक्षों की चतुर्दशी में स्त्री समागम से जो पाप होता है, ब्राह्मण यदि रजस्वला स्त्री के पास जाए अथवा श्राद्ध करके स्त्री समागम करे, उससे जो पाप लगता है, मल भोजन करने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, मित्र की पत्नी के साथ संभोग करने वाले को जो दोष प्राप्त होता है, चुगलखोर, दंभी, मायावी और मधुघाती को जिस पाप की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर उसे ना देने वाले को जो दोष लगता है, स्त्री हत्या, बाल हत्या और मिथ्या भाषण करने वाले को जिस पाप का भागी होना पड़ता है, देवता, वेद, ब्राह्मण, राजा, मित्र और साध्वी स्त्री की निंदा करने से जो पाप होता है, गुरु को झूठा कलंक देने, वन में आग लगाने, गौ की हत्या करने, ब्राह्मणाधम होने और बड़े भाई के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर जो पाप लगता है, तथा भ्रूण हत्या करने वाले मनुष्य को जिस पाप की प्राप्ति होती है, अथवा यहाँ बहुत से शपथों का वर्णन करने से क्या लाभ। राक्षस, एक भयंकर शपथ सुन लो, यद्यपि ये कहने योग्य नहीं है तो भी कहता हूँ, अपनी कन्या को बेचकर जीविका चलाने वाले, झूठी गवाही देने एवं यज्ञ के अनाधिकारी से यज्ञ कराने वाले मनुष्य को जिस पाप का भागी होना पड़ता है, तथा सन्यासी और ब्रह्मचारी को काम भोग में आसक्त होने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, उक्त सभी पापों से मैं लिप्त हूँ, यदि तुम्हारे पास लौट कर ना आऊं। चांडाल की यह बात सुनकर ब्रह्म राक्षस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा, जाओ, सत्य के द्वारा अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करो। राक्षस के यूं कहने पर चांडाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर पर आया। उसने सभी फूल ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया और अपने घर की राह ली। किंतु चांडाल ने मंदिर के बाहर ही भूमि पर बैठकर उपवास पूर्वक गीत गाते हुए रात भर जागरण किया। रात बीती, प्रातः काल हुआ और चांडाल ने स्नान करके भगवान को नमस्कार किया। फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए वह राक्षस के पास चल दिया। उसे जाते देख किसी मनुष्य ने पूछा, भद्र, कहाँ जाते हो? चांडाल ने सब बातें कह सुनाई। तब वह मनुष्य फिर बोला, यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है, अतः विद्वान पुरुष को बड़े यत्न से इसका पालन करना चाहिए। मनुष्य जीवित रहे तो वह धर्म, अर्थ, सुख और श्रेष्ठ मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जीवित रहने पर वह कीर्ति का भी उपार्जन करता है।
संसार में मृत हुए मनुष्य की कोई चर्चा ही नहीं करता। उसकी बात सुनकर चांडाल ने युक्तियुक्त वचनों से उत्तर दिया, भद्र, मैंने शपथ खाई है, अतः सत्य को आगे करके राक्षस के पास जाता हूँ। तब उस मनुष्य ने फिर कहा, साधु, तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? क्या तुमने मनुजी का वह वचन नहीं सुना? गौ, स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, विवाह के समय, रति के प्रसंग में, प्राण संकट काल में, सर्वस्व का अपहरण होते समय, इन पांच अवसरों पर असत्य भाषण से पाप नहीं लगता? उस मनुष्य का कथन सुनकर चांडाल ने पुनः उत्तर दिया, आपका कल्याण हो, आप ऐसी बात मुंह से ना निकालें। संसार में सत्य का ही आदर होता है। भूतल पर जो कुछ भी सुख सामग्री है, वह सत्य से ही प्राप्त होती है। सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्य से ही जल में रस की स्थिति है। सत्य से ही आग जलती है और सत्य से ही वायु चलती है। मनुष्य को सत्य से ही धर्म, अर्थ, काम और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सत्य का परित्याग ना करें। लोक में सत्य ही परब्रह्म है। यज्ञों में भी सत्य ही सबसे उत्तम है, तथा सत्य स्वर्ग से आया हुआ है। इसलिए सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यूं कहकर वह चांडाल उस मनुष्य को चुप कराकर उस स्थान पर गया जहां प्राणियों का वध करने वाला ब्रह्म राक्षस रहता था। चांडाल को आया देख ब्रह्म राक्षस के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उसने सिर हिलाकर कहा, महाभाग, तुम्हें साधुवाद, तुम वास्तव में सत्य वचन का पालन करने वाले हो। तुम तो सत्य स्वरूप हो, मैं तुम्हें चांडाल नहीं मानता। तुम्हारे इस कर्म से मैं तुम्हें पवित्र ब्राह्मण समझता हूँ। तुम्हारे मुख में कल्याण का निवास है। अब मैं तुमसे धर्म संबंधी कुछ बातें पूछता हूँ। बताओ, तुमने भगवान विष्णु के मंदिर में कौन सा कार्य किया? मातंग ने कहा, सुनो, मैंने मंदिर के नीचे बैठकर भगवान के सामने मस्तक झुकाया और उनका यशोगान करते हुए सारी रात जागरण किया। ब्रह्म राक्षस ने फिर पूछा, बताओ, तुम्हें इस प्रकार भक्ति पूर्वक विष्णु मंदिर में जागरण करते कितना समय व्यतीत हो गया? चांडाल ने हंसकर कहा, राक्षस, मुझे प्रत्येक मास की एकादशी को जागरण करते 20 वर्ष व्यतीत हो गए। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, साधो, अब मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ वह करो। मुझे एक रात के जागरण का फल अर्पण करो। महाभाग, ऐसा करने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, अन्यथा मैं 3 बार सत्य की दुहाई देकर कहता हूँ कि तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। यूं कहकर वह चुप हो गया। चांडाल ने कहा, निशाचर, मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया, अतः अब दूसरी बात करने से क्या लाभ? तुम मुझे इच्छा अनुसार खा जाओ। तब राक्षस ने फिर कहा, अच्छा, रात के 2 ही पहर के जागरण और संगीत का पुण्य मुझे दे दो। तुम्हें मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। यह सुनकर चांडाल ने राक्षस से कहा, यह कैसे बेसे पैर की बात करते हो? मुझे इच्छा अनुसार खा लो, मैं तुम्हें जागरण का पुण्य नहीं दूंगा। चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, भाई, तुम तो अपने धर्म कर्म से सुरक्षित हो। कौन ऐसा अज्ञानी और दुष्ट बुद्धि का पुरुष होगा जो तुम्हारी ओर देखने की और तुम पर आक्रमण करने अथवा तुम्हें पीड़ा देने का साहस रखे? दीन पापग्रस्त, विषय विमोहित, नर्क पीड़ित और मूढ़ जीव पर साधु पुरुष सदा ही दयालु रहते हैं। महाभाग, तुम मुझ पर कृपा करके एक ही याम के जागरण का पुण्य दे दो अथवा अपने घर को लौट जाओ। चांडाल ने फिर उत्तर दिया, ना तो मैं अपने घर लौटूंगा और ना तुम्हें, किसी तरह एक याम के जागरण का पुण्य ही दूंगा। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस हंस पड़ा और बोला, भाई, रात्रि व्यतीत होते समय जो तुमने अंतिम गीत गाया हो उसी का फल मुझे दे दो और पाप से मेरा उद्धार करो। तब चांडाल ने उससे कहा, यदि तुम आज से किसी प्राणी का वध न करो तो मैं तुम्हें अपने पहले गीत का पुण्य दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्म राक्षस ने उसकी बात मान ली। तब चांडाल ने उसे आधे मुहूर्त के जागरण का
और गान का फल दे दिया। उसे पाकर ब्रह्म राक्षस ने चांडाल को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर तीर्थों में श्रेष्ठ पृथुक तीर्थ की ओर चल दिया। वहां निराहार रहने का संकल्प लेकर ब्रह्म राक्षस ने प्राण त्याग दिए। उस गीत के फल से पुण्य की वृद्धि होने के कारण उसका उस राक्षस योनि से उद्धार हो गया। पृथुक तीर्थ के प्रभाव से दुर्लभ ब्रह्मलोक में जाकर उसने 10,000 वर्षों तक वहां निर्भय निवास किया। अंत में वह जितेंद्रिय ब्राह्मण हुआ और उसे पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। अब चांडाल की शेष कथा सुनो। राक्षस के चले जाने पर वह बुद्धिमान एवं संयमी चांडाल अपने घर आया। उस घटना से चांडाल के मन में बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी पत्नी को रक्षा का भार पुत्रों पर डाल दिया और स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी। कौकामुख से लेकर जहां भगवान स्कंद के दर्शन होते हैं वहां तक गया। स्कंद का दर्शन करके वह धारा नगरी में गया। वहां भी प्रदक्षिणा करके वह पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर जाकर पाप मोचन तीर्थ में पहुंचा। वहां उस चांडाल ने स्नान किया तो सब पापों को दूर करने वाला है, फिर पाप रहित हो वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ।